अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनका मुद्दा था यहां पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी आईडी के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहां पीस को डिस्टेबलाइज करना। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनजर फौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस और सीआईसीटी ग्रेड को और मजबूत किया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहां रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। इमीडिएटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेकर 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने यूबीजीएल्स, एमजीएल्स और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेज ने रीसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए, पाकिस्तान फौज ने हमारे क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वॉज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई एंड वेदर बड़ा खराब था इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है, अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, 1 टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से बुलविज है टेररिस्ट को हमारे यहां इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलविज है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। स्टे विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर न्यूज ब्रेक्स, एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड इवेंट्स। वी ब्रिंग यू स्टोरीज फ्रॉम योर नेबरहुड एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़।